रेस्टोरेंट में बना रही हूँ आज मैं चिली गार्लिक सॉस। एक साथ में इतनी सारी सॉस बना के रख लेते हैं। आज वीकडेज का ट्यूसडे है, ट्यूसडे को जो है जो भी चीज़ें कुक करने की होती हैं, सॉस या जो भी, वो सब हम रेडी करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ इस बार चिली गार्लिक सॉस। इतना बड़ा पतीला है, ये देखिए चिली गार्लिक पेस्ट। इसमें ये सब गैलन गए हैं, एक में कम से कम होता है देख लीजिए 3.85 kg, ऑलमोस्ट 4 किलो का एक गैलन है। तो ये ऐसे 3 ये जाते हैं, चिली पेस्ट जाता है, शुगर, पानी, विनेगर, बहुत कुछ जाता है, तब जाके बनती है चिली गार्लिक सॉस। और ये शालिनी, अरे शालिनी से नहीं मिलाया उस दिन मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्टर साहब और पॉलिटिशियन साहब, ये वापस आ गए, इनसे मिलाया था। ये है शालिनी, आज शालिनी आई है काम पे। सो शालिनी से हाय। या यू डोंट वांट टू बी ऑन द कैमरा, आई कैन ब्लर यू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स गुड, बिकॉज नीमा को बहुत प्रॉब्लम है, नीमा को उसके चप्पल भी नहीं दिखाने हैं। आई मीन इट्स फाइन, मैं भी तो अपना आप नहीं दिखाती हूँ ना, तो इट्स टोटली फाइन, एवरीवन हैव देयर ओन चॉइसेस, तो इट्स टोटली ओके। तो चले जी, मैं बना रही हूँ अपना चिली गार्लिक सॉस और फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आपको जो भी बनाऊँगी वो साथ में दिखाऊँगी। चिली गार्लिक सॉस इमैनुअल जो है इस बकेट्स में जो है वो डाल के रखेगा। हाय इमैनुअल। ओके, तो अब इसमें सॉस डाल के रखते हैं। ये आराम से जो है 4 बकेट बन जाएगी चिली गार्लिक का, और ये मुझे लास्ट करेगा ऑलमोस्ट 3 वीक्स। चलता है ना शालिनी अपना, 1 वीक में 1 बकेट जाता है पूरा, तो 3 वीक्स तक चलता है। बहुत बिजी होगा तो 2 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा। बट पहली चीज़ डन ऑन द लिस्ट, चिली पेस्ट एंड चिली गार्लिक सॉस। डिटेल में रेसिपी चाहिए तो देखते रहें चैनल, और शालिनी को पता है, शालिनी को कांटेक्ट करो, उसने देख ली है रेसिपी। तो जैसे मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी और कुछ बनने का तो दिखाऊंगी साथ साथ। सो ये बना रही हूँ मैं पाव भाजी। पाव भाजी के लिए मैंने सब वेजीज यहाँ पे ले ली हैं, और ये जो लाइन आपको येलो दिख रहा है, प्लीज़ इस पर इतना और मत कीजिएगा, क्योंकि ये येलो लाइन हल्दी का है, जो जा ही नहीं रहा है हल्दी का कलर। और यहाँ बन रही है दाल तड़का। दाल तड़का के स्पाइसेस डाल के मैंने चढ़ा दिया है, जैसे ही गलेगा तड़का लास्ट में लगेगा। दिस इज दाल, पाव भाजी। ना बाबा, नॉट दिस वन, मुझे गोभी नहीं होता है, कैबेज, बंद गोभी जिसको बोलते हैं। एक तो कॉलीफ्लावर होता है ना, नॉट द कॉलीफ्लावर, इट्स ऑलरेडी इन देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैबेज, बंद गोभी जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, अंदर कूलर से फ्रेश वाला लेकर आओ, वन। हाँ, सो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन एवरीवन के कैबेज और गोभी में क्या फर्क है। द पापास इन द वेजी, द ग्रांडे पतीला। दे चलो भाई, शालिनी को दिखाते हैं कैबेज क्या होता है। हाँ यस शालिनी, यू गॉट द राइट वन, वो लेटेस है, वो भी लेटेस है, ऐसा वाला एक और निकालो जो सख्त वाला फूल होता है ना, ये बाकी सारे लेटेस हैं। डोंट टेल मी कि हमारे पास कैबेज खत्म हो गया। नो वे मैन, हमेशा मेरे साथ होता है कोई ना कोई चीज खत्म हो जाती है, खत्म सब लाने से। चलो ये फिर ये हाफ मत डालो, क्योंकि हमें चाइनीज के लिए अगर चाहिए होगा तो ये एटलीस्ट इतना होना चाहिए। That one container, but one container is nothing ना, हमें चाहिए होता है, इसको यही रखो, मैं मंगवाती हूँ इनसे। और मुझे चाहिए होगे ये रेड वाले कुछ नहीं, ग्रीन वाले कैप्सिकम जो है ना, एटलीस्ट 4 or 5 काट के हो जाते। सिलांत्रो देना, सिलांत्रो एक पूरा पैकेट दे दो। चलो ठीक है, 5 ये ले लो। शिमला मिर्च ना, इसको मोटा मोटा काट के उस देखचे में डाल दो, ठीक है। ये सॉस बनी है, एक हमने अभी जितना भी फिल करना था यूज़ करने के लिए वो कर दिया है, उसमें से बच गया है ये, बाकी के 3 कंटेनर कूलर में जाएंगे। या टेक द बिग चंक्स,
बेटा ग्लव्स नहीं पहने, ग्लव्स के बगैर कुछ नहीं होता है। मुझे देखो आते साथ ग्लव्स पहने होते हैं। सब इसमें जाएगा, पानी, शिमला मिर्च और मसाला। ओके, सो दाल तड़का की चीज़ें रेडी कर रही हूँ। आई मीन दाल रेडी हो गई है, गल गई है, तो तड़का लगाने के लिए मैंने ये छीली और ये फ्रेश जो है क्रश किया गार्लिक, साथ में अनियन और मिर्ची। जैसे जैलोपिनो ये स्पाइसी नहीं होती, इसका सिर्फ टेस्ट अच्छा आता है। सो ये हो गई और दाल यहाँ पे देखें गल चुकी है, सिर्फ तड़का लगाना है एंड दाल रेडी हो जाएगी। पाव भाजी इज़ लाइक अभी पक रही है, अभी सब्जियाँ थोड़ी रहती हैं, लाइक आलू जो है पूरी तरह से नहीं गला है, जब वो भी गल जाएगा तो उसको थोड़ा मैश करूँगी और इसको भी तड़का लगा देंगे। वहाँ पे आलू जो है मैं कटवा रही हूँ फॉर आलू मसाला। चांदनी बोलेगी अब तो ये कैमरा जान नहीं छोड़ेगा, है ना? इट्स ओके शालिनी, तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लोगों को लगेगा ये कितना काला हो रहा है पीछे, ये सब हम साफ करते हैं फिर भी ये काला ही रहता है, है ना, है ना? ये इसका कलर ही काला है, दिस थिंग इज ब्लैक, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे इस ग्लव्स को मैं वाइट नहीं कर सकती हूँ, इसी तरह इस चूल्हे वाले को भी मैं वाइट नहीं कर सकती हूँ। हम साफ करते हैं फिर भी ये काला ही रहता है, बिल्कुल उसी तरह ये पक पक के देखचा इतना काला हो चुका है, हम इसको भी धोते हैं ये काला ही रहता है। और ये रेस्टोरेंट है यार, ज़्यादा डिटेल मत जाया करो, सफाई नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बहुत सफाई रखते हैं, रखते हैं ना सफाई। ओके ये देखिए माशाल्लाह चेक करो ना, अच्छा तड़का लग रहा है बाल को, रेस्टोरेंट स्टाइल बाल तड़का इसे कहते हैं। अब आप लोगों को अंदर की रेसिपी मिल गई है कि रेस्टोरेंट में दाल तड़का कैसे बनता है। चलो पाव भाजी की वेजी जो हैं काफ़ी ज़्यादा गल चुकी हैं, अब इनको मैं इससे मैश करूँगी, अच्छी तरह से मैश करने के बाद में तड़का लगाऊँगी। तड़का भी साथ में रेडी हो रहा है, ये देखें ये पाव भाजी के लिए तड़का रेडी कर रही हूँ। अनियन ज़रा हो जाएंगे, टमाटर वगैरह डाल के जैसे प्रॉपर तड़का ये जाएगा पाव भाजी में, फिर डाल इसको करती हूँ मैश। तो भाई पाव भाजी का तड़का रेडी, गर्म भी है, देखिए बी केयरफुल। अरे बाबा चूल्हा बंद था या अब बंद है? चलो डाल दो पूरा टैंकर। पकने के लिए रखूँगी लाइक मे बी अराउंड 15-16 मिनट्स दम पे रखूँगी एंड दिस विल बी डन। एंड हियर्स इमैनुअल बैक, पाव भाजी रेडी हो गया है, ये देखिए ये बन गई है पाव भाजी, क्या बात है। ओके तो ये आलू मसाला, हाँ बाहर ही पड़ा रहा है, ये आलू मसाला के लिए अब आलू बॉयल हो रहे हैं। एक और अभी तक क्या बना शालिनी? हमारा चिली गार्लिक सॉस बन गया, हम लोगों का दाल तड़का बन गया, पाव भाजी बन गई एंड दिस इज आलू मसाला। तो ये आलू जितने भी हैं सबको पहले बॉयल कर रहे हैं, फिर मैश करके बाकी का प्रोसेस बाद में दिखाते हैं। अरे होते हैं तो शालिनी हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं और अपने फ़ोन में टिकटॉक, इंस्टाग्राम जो भी देख सकते हैं हम देखते हैं,
आज ट्यूसडे है, ऑफ कोर्स इट्स अ वीक डे, तो वीक डेज का ट्यूसडे थोड़ा स्लो होता है, और ये दिन होता है बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द वीकेंड के लिए कुकिंग करना। अरे देखो पॉलिटिशियन का बेटा आया। आज बहुत बिजी हैं, कितना काम कर रहे हो तुम लोग बाहर, ओ माय गॉड, बैठने का टाइम नहीं मिला होगा, है ना, खाने का टाइम नहीं मिला, सोचो, ओ माय गॉड, क्या फरमाइश लेके आए हो बताओ, खाने के लिए आए, क्या बोलना है दीदी को, खाना क्या बोलना है, आज क्या खाने का है, बिरयानी खानी है, What do you wanna eat? दाल नहीं खाना, जैसे पता नहीं माँ बाप ने कूट कूट के दाल खिलाई है, सब्जी खिलाई है, कि यहाँ आके बदले उतारे। चलो चिकन बिरयानी बनाते हैं। या दोस रोटी डाइन इन शरण जी, अब ये लग रहा है तड़का किसका, शालिनी आलू मसाला। तो आलू मसाला का, आलू पूरी तरह से गल चुका है, मैश हो चुका है मोस्टली, अब इसमें तड़का रेडी कर रहे हैं, और ये डाल दिए करी पत्ता एंड हैबिनो, मिक्स करना थोड़ा सा, तो ये पक जाएगा, उसके बाद में इसको हम यहाँ डालते हैं आलू मसाला की रेसिपी। ये क्या करका, आका नूडल्स बन रहे हैं, नीमा नहीं खाऊंगी, रेडी डाल दिया इसमें, चलो अब इसको खा के, क्या हुआ शालिनी, तुम नहीं आओगी, तुमने देखा है मैंने तुम्हारा फेस नहीं रिवील किया, टेंशन मत लो, तुम्हारा फेस नहीं आएगा शालिनी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा फेस तो बार बार आएगा। ओके सो अभी तक कुकिंग क्या हुई, दाल तड़का, चिली गार्लिक सॉस, पाव भाजी, आलू मसाला, वो आलू कटवाए हैं, मिक्स वेजिटेबल बनानी है, पर मैं अभी वेट कर रही हूँ कि ग्रोसरी आ जाए, थोड़े से अनियन और चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं अभी, तो जैसे ही वो लोग लेकर आते हैं बाकी की कुकिंग तब बनाती हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, काफ़ी कुकिंग हो गई भाई, अब थोड़ा सा आराम, बाद में काम। शालिनी तो बिस्किट नहीं खोलेगी, अरे तू ले कर, सीरियसली लेकर जा रही है, ना कर शालिनी, उसमें से वो वाला एक बिस्किट खिलाना, आपकी तरफ से पार्टी है, अच्छा घर लेकर, अच्छा उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कह रही है मैं घर जाके ये बिस्किट इंजॉय करूंगी चाय के साथ में, मैं और नीमा टी पार्टी कर रहे हैं, आई लाइक दिस निमको, ये तो खाओ इससे कुछ नहीं होता है, अरे भाई वो ले जाओ इससे भी खाओ, इससे भी कुछ लो भाई, वो लेके जाओ, उसको रख दो साइड में, हम नहीं ले रहे, वो देखो अब रखा उसने, उठा शालिनी, सही है भाई, टी पार्टी हो रही है यहाँ पे, मैं बाहर वालों को बुलाऊं कि आए, साई डू यू वांट समथिंग, कम ऑन, हम लोग टी पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ टी पार्टी इन द खुशी ऑफ नई गाड़ी, अरे मिठाई तो खा लो, देयर इज मिठाई इफ यू डोंट वांट द टी, कुछ तो लो, ये काजू कतली है, मिठाई हमारी नई गाड़ी की खुशी में, और थैंक यू सो मच, पॉलिटिशियन ने मुबारकबाद दी, योर नेम इज नॉट साई एनीमोर, और ये हम लोग एक दुख भी है कि नीमा जा रही है दिल्ली हम सबको छोड़ के, तो हम लोग इसलिए हम लोग छोटा सा एक यू नो सोचा आज साथ में इंजॉय कर लें, पता नहीं नीमा कल आए कि नहीं, धोखा दे दे हमें, सो लो ना बाबा निमको खोलो कुछ लो, ओ आई लव दोस बिस्किट, दीज बिस्किट, और वो जो मिक्स पैकेट किसी ने ले लिया, रियली गुड, वाह
भाई यादव इंडिया का पॉलिटिशियन है, ये प्रूफ दिखा रहा है मुझे। अरे बाप रे, ये सच में पॉलिटिशियन है। मतलब क्या है, मतलब क्या है फादर, क्या है पार्टी, कौन सी है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है भाई। मैं तो वैसे ही पॉलिटिक्स से दूर हूँ, मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैं तो न्यूज भी देखती, मैं कहती पता नहीं क्या चल रहा है, बंद कर दो इनको। तो भाई तुम क्या हो, मतलब पॉलिटिक्स में कोई कुछ होता है क्या, कोई कोई लेवल होता है किसी चीज का? है क्या है, मतलब बताओ अब, तुमने मुझे प्रूफ दिखाया। तुम्हारी इतनी बड़ी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट की बेटा, तुम्हारे माँ बाप को दुनिया में तुम्हारे होने से इतनी खुशी है, इतने हार पहना दी अभी से ही, जिंदगी में कुछ किया भी नहीं, हार अभी से पहना दी है। मतलब वाह यार, तुम अकलौते हो क्या, और बच्चे नहीं है, बहन भाई नहीं है तुम्हारे, फिर भी इतना प्यार, कितने बहन भाई, बात है लकी। ये पेरेंट्स तुम्हारे व्लॉग देखेंगे ना, यू हैव टू प्रमोट मी। अब तुम पॉलिटिशियन के बेटे हो, मेरी बात सुनो, उनको बोलो ये चैनल प्रमोट करे इंडिया में। अब मुझे तुम्हारा प्रूफ मिल गया है। तो अब तुम्हें ये चैनल प्रमोट कराना होगा। टेल देम स्प्रेड द वर्ड, हाँ मतलब मशहूर करो कि ये एक लड़की जो है कोशिश कर रही है इंडिया में। तो हमारे भाई पॉलिटिशियन तुम लोग तो वोट के लिए कितना कुछ करते हो, है ना, फ्लायर बनाना, ये करना, वो करना, कितना कुछ करते हो तुम लोग। तो तुम कन्विंसिंग कहते हैं ना, तो तुम मतलब मेरे लिए मेरा चैनल नहीं प्रमोट कर सकते हो, क्या पावर है तुम्हारी, मुझे पावर दिखाओ अपनी। अब मैं देखूंगी मेरा चैनल कहाँ जाता है। ओह वाओ, ही शोड मी द प्रूफ। तुम तो चैनल पे आ ही नहीं सकती, मैं तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगी यार, डोंट वरी। तो अब सांभर रह गया था, सांभर बना रही हूँ। सांभर का दाल वगैरह मैंने पका लिया है, बहुत स्मोक है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने सांभर पे, सांभर बना रहे हैं। तो सांभर की वेजीज हम ये डालते हैं, आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ सांभर, अलग अलग लोगों के तरीके, ऐसे मैं बनाती हूँ भाई, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती तो खिला नहीं रहे मैं किसी को पकड़ पकड़ के। हैं तो ये लो भाई, ये है इमली, दैट्स हींग इंग्लिश में, इसको पता नहीं क्या ऐसा फेड या समथिंग कुछ भी बोलते हैं, आप देख लो खुद ही। दैट्स द सांभर मसाला, मैं किसी भी ब्रांड की इंडोर्समेंट नहीं कर रही, वैसे मुझे बड़ा पैसा मिल रहा है लोगों से। तो मसाला, सब्जी और दाल यहाँ पे हो गई है, तो मैं बना रही हूँ सांभर। तो अब दाल जब गल गई है तो मैं वेजीज और ये सब तड़का लगा के इसमें डालूंगी और थोड़ी देर पकाऊंगी, एंड व्हेन इट विल बी रेडी आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। सांभर भी रेडी, तड़का स्पून हटा दूंगी। मेरे सब के बीच में छोटा सा ब्रेक खाने का, नान लिया है, नान के साथ साग, वेजिटेबल, एक दो पीस मैंने चिकन के दाने, बट इस वेजिटेबल साग। तो लंच करती हूँ, और मेरा लंच आई थिंक अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:07। ओ वाओ, आज कुकिंग में इतना बिजी थी ना, तो इसलिए मुझे लंच का टाइम ही नहीं मिला। चाय ब्रेक थोड़ा सा लिया था, ये सब जो आपको दिख रही है चीज़ें पीछे, ये आज नीमा क्योंकि शालिनी जाने वाली थी 4:30 टू 5 o'clock, सो सोचा उसके साथ चाय ब्रेक लेते हैं, तो चाय पी ली थी, तो इसलिए मैंने लंच नहीं किया। सो नाउ आई एम डूइंग लंच एंड डिनर बोथ एक्चुअली। सो मिलते हैं बाद में। लास्ट आइटम फॉर द डे, इसके बाद मैं और कुकिंग नहीं करने वाली हूँ, इट्स टू मच। ये है सांभर, सांभर बना के रखते हैं। 3 बकेट बनेंगी जो कि चल जाएगा आराम से हमारा, ये 4-5 दिन, आई होप 4-5 दिन चल जाए, वरना फिर से बनानी पड़ेगी। सो ये रही हमारी नई गाड़ी से, माशाल्लाह वाओ, न्यू कार ट्रक। तो ये है हमारी नई गाड़ी, आपसे फोर्ड।
F250 से माशाल्लाह. हाँ सुपर ड्यूटी व्हाटएवर. ओके सो दैट्स द फील ऑफ इनसाइड द कार.